जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद और आप हैं सारियास के पेज के ऊपर और ग्रुप के अंदर एंटीडोट टू एथनिक क्लिंजिंग, जो इंडियन मुस्लिम्स के साथ हिंदुत्वा जो है वो प्लान कर चुकी है और बस उसको उसने एक तरह से अपने प्लान को एक्सेल करना है, उससे रिलेटेड हमने ये जो ग्रुप बनाया है इसके अंदर आपको सबको वेलकम। और आज का जो सेशन है हमारा, इट इज़ रिलेटेड टू द फाइनल पार्ट ऑफ गुजरात मैसेकर, जो 2002 के अंदर फरवरी के महीने के अंदर नरेंद्र मोदी साहब जब सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और उनको चीफ मिनिस्टर बने हुए सिर्फ चंद महीने हुए थे, तो उन्होंने ये कारनामा अंजाम अपनी टीम के साथ मिलके, जिसके अंदर सबसे ऊपर उनके जो क्लोज जो आप कह लो के सक्सेसर भी हैं और उनके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं पुराने, अमित शाह, और उसके बाद नीचे के चंद लोग जो उनके साथ शामिल थे, जिनके अंदर हरेन पांड्या का मैंने आपको इस केस स्टडी में बड़ा जिक्र किया है, और उसके बाद फिर माया कुदनानी और ये बाबू बजरंगी, बाबू पटेल और वो दूसरे सारे लोग जो इस मैसेकर में शामिल थे। तो आज की जो आपको जो वीडियो है, दिस इज नॉट कंप्लीट, मैं इसको आज के सेशन में कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से ये मैं जब भी इस सेशन को करने जाता हूँ, जो फाइनल पार्ट है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग के शदीद दुख के अंदर इंसान चला जाता है और मैं चला जाता हूँ कि मुझसे ये कंप्लीट नहीं होता। तो मैंने यही फैसला किया है कि इसको एज अ डॉक्यूमेंट्री, ये जो लास्ट वाला आपका सेशन है, इसको मैं एज अ डॉक्यूमेंट्री कनेक्ट करूंगा, इससे आगे छोटी सी डॉक्यूमेंट्री जिसके अंदर आपको उन लोगों के इंटरव्यूज दिखाएंगे और जो उन लोगों की हालतें हैं, कितने लोग इन्होंने कहाँ मारे और उनको क्या उनके वूंड थे और उनकी कब्रें कहाँ हैं और किस तरीके से अगला 2 वीक्स जो थे इन्होंने हैंडल किया, गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर इन्होंने क्या किया, नरोदा गांव के अंदर इन्होंने क्या किया, और किस तरीके से अहमदाबाद के बाकी डिस्ट्रिक्ट, यानी आप कह लो कि 28 डिस्ट्रिक्ट अगर उस वक्त पे अहमदाबाद गुजरात टोटल के थे, अहमदाबाद को इंक्लूडिंग, तो उसमें से 17 से 18 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गैंग्स ऑफ हिंदुत्वा और इनके आर्म्ड लोग और ये वहाँ आए और ये किस तरीके से आए। और मैं इस चीज़ को सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे हैरानगी अगर शो ना करूं तो फिर आप मुझे खुद बता दें कि मैं क्या चीज़ शो करूं, कि जब इन्होंने बाबरी मस्जिद के ऊपर अटैक किया और बाबरी मस्जिद के ऊपर बजरंग दल वालों ने हमला किया, आरएसएस और ये सारे जो सांग परिवार है, तो उस वक़्त भी हम ये समझे थे कि हम शायद हमारे लोग इकट्ठे होके इनको रेजिस्ट कर देंगे। तो गुजरात के अंदर और बाकी मैसेकर्स के अंदर भी यही चीज़ कॉमन पाई जाती है, एक पैसिफिस्ट माइंडसेट, एक डरपोक माइंडसेट, एक बुजदिल माइंडसेट जो आपको मरवाता है, कि आप परसीव नहीं कर सकते, आप प्रियम्प्ट नहीं कर सकते, और आप इस चीज को जानते हुए भी कि आपके साथ पिछले चंद सालों में, 70-75 सालों में इन्होंने किया क्या है, आप फिर भी उस चीज के लिए दोबारा से आप ऐसे हो जाते हो कि यार ये वो तो हो गया लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। तो ये हम सिर्फ और सिर्फ आपकी बेवकूफ़ी है, हमारी बेवकूफ़ी है, इसके अलावा हम इसको क्या मैं नाम दूं, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। आप सोचें कि गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर और जो फ्रूट मार्केट्स हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट जगहों में इन्होंने जो 12-13 नोटेबल जगह मैं आपको बताऊंगा गुजरात के अंदर जहां इन्होंने ये हमले किए और उनके विक्टम्स की हालतें आपको बताएंगे जो अभी सर्वाइविंग है, किसी की उंगलियां नहीं है, किसी का कान नहीं है, यानी एक तो होता ना कि फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा करें और मार दें, ऐसे नहीं किया इन्होंने, दे वांटेड टू मेक श्योर कि जितनी अजियत ये उन लोगों को पहुंचा सकते हैं ये उतनी अजियत से भी ज्यादा पहुंचाए, एंड दे वांटेड टू मेक श्योर खवातीन के साथ जो इन्होंने किया, उनके प्राइवेट पार्ट्स को, उनके प्राइवेट लिम्ब्स को इन्होंने काटा, तलवारों पे लगा के ये हंसते रहे, और जैसे आप कह रहे हैं कि जमाना जाहलियत के अंदर, वैसे तो ये उससे भी बदतर हैं जो हिंदुत्वा गूंज हैं, और उन्होंने उस तरीके से बिहेव किया और उनके साथ जो ब्रुटैलिटी दिखाई, मुझे तो दुख तो साफ जाहिर है इस चीज़ का होता है कि ये क्यों हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा इनके ऊपर गुस्सा आता है, और वो गुस्सा सिर्फ और सिर्फ जो हिंदुत्वा के
ये बदमाश है इनके ऊपर नहीं आता, गुस्सा इंडियन मुसलमानों के ऊपर भी आता है कि यार आप अपने साथ क्या करवा रहे हो, किस किस चीज के अंदर आप पड़े हुए हो, क्या आप मतलब आपकी विजन है क्या है, क्यों नहीं आप इन चीजों को रेजिस्ट करते। कश्मीरी भी आपके सामने हैं, लिमिटेड हैं, 200-300 फ्रीडम फाइटर हैं वहां, 90 लाख में से। वहां भी अगर आप देखेंगे 90 लाख उनकी पॉपुलेशन है, 9-10 लाख अगर पैरामिलिट्रीज उधर हैं, तो 10/1 का उसका वाया है। वाई आर यू नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट? आई मीन आप जो फलस्तीन में हो रहा है, जो दूसरी जगहों में होता है, आप उस तरीके से क्यों नहीं कर पाते? लेकिन फिर भी मैं उन 200-300 लोगों की दलेरी को सलाम करता हूं कि जिन्होंने 75 साल तक इंडिया को वहां से मतलब मजबूर किया हुआ है कि ये इसको इसकी जिंदगी एक तरह से अजाब की हुई। अगर इन्होंने उनकी की हुई है, तो उन्होंने भी इनकी की हुई है, सिर्फ 200-300 लोगों ने। तो यार आप गुजरात के अंदर आप इस तरीके से करते हो, बाकी इंडिया के अंदर आप करते हो मेजोरिटी है, आप मेजोरिटीज में जाके रहना शुरू कर देते हो कि जी हम इकट्ठे होंगे। गुलबर्ग सोसाइटी इज अ लाइव एग्जाम्पल कि ये फॉर्मूला जो आप लगा रहे हैं कि यहां से माइग्रेट करो किसी इकट्ठी जगह के ऊपर जाके रहो, जैसे मैंने आपको परसों भी बताया था, ये एक फेल्ड फॉर्मूला है। आपके सामने गुलबर्ग सोसाइटी की मिसाल है कि 20,000 बंदा, अब आप इमेजिन करें कि ये कोई 200-300 बंदा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मॉप हैंडलिंग जो आप कहते हैं कि जी किसी को मार दिया मॉप ने, ये कर दिया जी किसी डाकू ने कराची में, वो पकड़ा गया और उसको मार दिया उन्होंने, 5, 10, 20, 30, 40, 100, 150, 200 बंदा, इससे ज्यादा बंदा मौजूद नहीं होता। ये जिस मॉब की हम बात कर रहे हैं, जिस मॉब की हम बात कर रहे हैं भाईजान, ये 20,000 से 25,000 बंदा तलवारों के साथ, चाकुओं के साथ, छुरियों के साथ, आरियों के साथ ये वहां हमला करता है, ऐसी जगह में जहां 1,000-1,500 बंदा रहता हो। तो उसके बाद इनको पुलिस सपोर्ट अलग है कि पुलिस कॉर्डन ऑफ करके खड़ी होती है कि ये 20,000 बंदा अंदर घुसा है, तो अब ये जो इसने करना है करे। तो गुलबर्ग सोसाइटी में फ्रूट मार्केट में देखें जहां इन्होंने दुकानें जलाई, उसके अंदर आप चेक करें कि जी 7 से 8 हजार, मैं आपको डिटेल्स इनकी बताऊंगा, जो एक डिटेल साफ जा रहा है उसकी सोर्सेज जो है वो पाकिस्तान नहीं है, इंडिया ही उसकी सोर्स है, कि कितने लोग ये लेके आए। और वहां फिर ये ऐसे ही था कि आप चार दोस्त या चार भाई खड़े हुए हैं, एक भाई को उनमें से एक पागल साइको आप कह लो कि 10 साल का बच्चा भी है, तो उसने तलवार पकड़ी, उसने एक भाई को निकाला और उसका हाथ काट दिया और उसकी गर्दन काट दी है। तो तीन भाई इस चीज में आगे नहीं बढ़े कि यार हम तो बच गए हैं। तो भाई तुम्हें, तुम में से भी कौन मरेगा, कैसे मरेगा, कब मरेगा, इट्स 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 अ मैटर ऑफ टाइम। तो ये चीज आप इस तरीके से करते हैं और आप उसको रिजिस्ट इस तरह से नहीं कर पाते। और एक और बेवकूफी जो आप लोग करते हैं, वो जो इससे बड़ी बेवकूफी है, कि आप उनको अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं कि ये ऐसे नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, इनकी इतनी पावर नहीं है, इनकी ट्रेनिंग कहाँ है। मुझे ये बताएं कि मोदी साहब तो उनको तो 3-4 महीने हुए थे उधर आए हुए, ये जो 1 लाख से ज्यादा बंदा, 1 लाख से ज्यादा बंदा, क्योंकि इनकी क्वांटिटी हर जगह पे 15-20 हजार से कम नहीं थी जहां जहां इन्होंने हमला किया, इतने ये डरपोक है कि 100 बंदे को भी मारना हो तो 15,000 बंदे लेके जाएंगे, फिर ये जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। तो इन्होंने वहां जो अटैक्स किए और 1-1.5 लाख बंदा जो इन्फ्लक्स आया गुजरात के अंदर एक रात पहले, ये को गुजरात में से तो नहीं इकट्ठे हो गए इतने ज्यादा लोग, और ना वहां के, जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया कि 5% लोग भी लोकल नहीं थे, इन लोगों को अकोमोडेट किया, इन लोगों को लेके फिरते रहे। आपको एक मारुति का जिक्र करेंगे एक बंदे, अभी जब मैं इनकी डॉक्यूमेंट्री में उनका इंटरव्यू बताऊंगा, व्हाइट मारुति, तो वो व्हाइट मारुति हैरन पांड्या की थी, पांड्या साहब के साथ माया कुडनानी और दूसरे ये लोग थे। तो मेन बंदा इनका जो था पांड्या था, पांड्या उस वक्त साहब जरा मोदी के पार का ही आप कह लें, बस मोदी की किस्मत अच्छी थी कि मोदी को सीएमशिप मिल गई और वो बाहर से आके गुजरात, 4-5 साल गुजरात से बाहर रहते हुए, और ड्रामेबाजी के लिए उसने ये बोला जब उसको नॉमिनेट करवाया रज्जू भैया ने, आरएसएस के जो हेड थे, तो उन्होंने बोला कि जी मैं तो गुजरात में, तो मुझे कोई बंदा जानता ही नहीं है, मैं तो गुजरात में मुझे गए हुए इतने साल हो गए हैं, तो मैं नहीं, मुझे ना बनाए आप, किसी और को बनाए। अंदर से उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे, और उसको जब बनाया तो हरन पांड्या जो थे वो अपने आप को ये समझते थे कि
कि ये नरेंद्र मोदी जो है ये बाहर से आया है, हम ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, बाबू बजरंगी है, ये लोग हैं, हम लोगों में से कोई सीएम चूज होना चाहिए। ये कहाँ से बंदा बाहर से एयरबोर्न होके आ गया है। था वो वहीं का, लेकिन 4-5 साल से वो बाहर था, गुजरात में नहीं था। और ये उसके अपने ऑन रिकॉर्ड वर्ड्स हैं कि जी मुझे नहीं इन चीज़ों का पता, मैं तो मुझे तो कोई जानता नहीं है उधर। तो उस वजह से उस वक्त एक क्लैश एक चल रही थी, एवरीवन वांटेड टू बी मोर विजिबल इन दीज राइट्स, कि मैं एलिवेट हूँ, मेरी प्रोफाइल ऊपर जाए, और ये लोग जो हमारे भाई हैं इंडियन मुस्लिम्स, और ये समझते हैं कि इस बार नहीं होगा और इनकी ट्रेनिंग नहीं है, तो आपकी आंखों के सामने वो ट्रेन कर रहे थे। इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। अभी अभी क्या आपकी आंखों के सामने नहीं है? मुझे ये बताएं, आप रोज देखते हैं आरएसएस के बंदे 10,000 कभी कहीं परेड कर रहे होते हैं, कभी कहीं छुरियां लेके जा रहे होते हैं। आप रोज देखते हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे 5 साल से लेके 10 साल तक, 15 साल तक वो तलवारों के साथ वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। किसको मारने की प्रैक्टिस कर रहे भाईजान? वो किसको, आप क्या मतलब, आप किन किन ख्यालों में आप रहते हैं? आप लोगों को मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोगों को काटने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनके साइको केस उन्होंने बनाए हुए हैं। यही लोग हैं ये 20,000 बंदा जो एक जगह के ऊपर आके इकट्ठा होके आ गया, ये कोई पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है, ये वही लोग हैं जिनको ये आपके सामने आंखों के सामने ट्रेन कर रहे हैं। इनमें बच्चे भी हैं, खवातीन भी है। खवातीन की एक बहुत बड़ी इनका इनका सेक्शन है जिसके अंदर ये खवातीन भी हैं, सब हैं। और अफसोस की बात ये है कि ब्रूटैलिटी के अंदर ये इतना आगे चले जाते हैं कि ये जिस तरह इन्होंने गुजरात में किया, तो वो गुजरात को अगर अगर आप अपनी आंखों के सामने रखें, तो आप 10 सोसाइटियां अपनी बना लें और उसके अंदर इकट्ठे हो जाएं, वेस्ट बंगाल के अंदर आप इकट्ठे हो जाएं माइग्रेट होके, बिहार के अंदर आप इकट्ठे हो जाएं। जब इन्होंने ये चीज करनी है ना, तो आप लोगों ने कुछ नहीं कर पाना अगर आप इनको ट्रेन नहीं करेंगे। और ट्रेन का क्या मतलब, इतने ज्यादा 30 करोड़ आपकी आबादी है, 30 करोड़ की आबादी के अंदर आपको मतलब, अगर इनकी टोटल फौज है 10 लाख 15 लाख, और वो एक जगह के ऊपर एक टाइम के ऊपर आपके ऊपर 1 लाख से ज्यादा फौज तो नहीं वो लेके आ सकते। आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उनको मार नहीं सकते। आपसे 10 बंदे नहीं मरते इनके, आप इनके 10 बंदे मारे उल्टा लटकाए उनको चौराहों के ऊपर, देखेंगे कैसे इनकी जान निकलती है। लेकिन यू आर फेयरिंग दैट, वो आपके फेयर के साथ खेल रहे हैं। वो आपको कहते हैं कि अगर तुम मेरा एक बंदा मारोगे ना, मैं तुम्हारे ऊपर राइट्स करूंगा, डरो इस चीज से, मेरे एक बंदे को मत मारना। आप कहते हो यार एक बंदे को मत मारो, क्योंकि वो आके हमें मारेंगे, उसके बदले में वो फिर आते हैं आपको मार जाते हैं। अगर आप उनका एक बंदा मारोगे, वो आएंगे उनके 10 बंदे और मारो, 100 200 1000 आपके शहीद होते हैं, लेकिन वो उनको मैसेज तो जाता है ना, उनको एक चीज डिलीवर तो होती है ना कि तुम हमें एक को मारोगे, हम तुम्हारे 10 को मारेंगे। तो ये चीज तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। और मैं इसको आपको कहता हूँ कि इसके अंदर काफी ज्यादा क्रेडिट, आई मीन एज मेरे हमारे दुश्मन है वो, और मनहूस आदमी है वो नरेंद्र मोदी, लेकिन क्रेडिट उसको जाता है कि उसने काफी हद तक मुसलमानों के ऊपर वो फेयर फैक्टर डाल दिया हुआ है, जो उससे पिछले अगर आप देखें कि वो मुंबई और वो जो एरिया थे दाऊद इब्राहिम, और वो जो मुसलमान थोड़े बहुत सेल्फ इंटरेस्ट के लिए फाइट बैक करते थे अपने, लेकिन चलो इनके साथ करते तो थे ना, बिजनेस इंटरेस्ट थे या जो भी थे, वो भी तो टोटल खत्म हो के, तो अब आप यू आर अ टाइम बॉम्ब की तरह आप चल रहे हो कि किसी वक्त जब उनका दिल करेगा, आप इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। आज कर जाए, कल कर जाए, परसों कर जाए, आप क्या करोगे? आपने उधर यू आर सेटिंग डक्स देयर। तो सबसे पहले इन चीजों को देखें कि अगर आपने इंडिया के अंदर ही रहना है, अगर आप कहते हो कि हमने भारत के अंदर ही रहना है, हमने ये चीज करनी है, तो सबसे पहले देखें कि आपने अपने स्टेट्स और अपने मुल्क कैसे बनाने हैं। इसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि क्योंकि ये ओवर जब कोई होता है, तो वो सबके लिए ओवर हो जाता है। तो ये जो आपकी वजह से ये ओवर हो चुके हैं कि आगे से कुछ नहीं होता, तो ये कभी कभी अटेम्प्ट्स पाकिस्तान के ऊपर भी करते हैं। देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मसला सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स के लिए है, पाकिस्तान के मुस्लिम्स के लिए नहीं है। ये हिंदुत्व का थ्रेड और हिंदू राष्ट्र का थ्रेड सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए है। हमारे पे जो थ्रेट है, हम उसको काउंटर करेंगे, हम उसको कर रहे हैं। हमें आज अगर हम थोड़ा सा उसके अंदर हमें मार पड़ जाए या हम मार लें, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 75 साल हो गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, 1 इंच वेस्ट पाकिस्तान का ये
नहीं ले सके। 4 से 5 जंगें हमारे साथ कर चुके हैं, और इनके अलावा बांग्लादेश का बोलने के अलावा इनके पास कोई चीज़ नहीं है, जो कि वेस्ट पाकिस्तान नहीं था, जो कि बंगाल था, और उसके अंदर भी बंगाल बन गया। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब हसीना वाजिद को, शेख हसीना को ठुड्डा मार के निकाला जाएगा, तो फिर मैं इनसे पूछूंगा कि बच्चे अब बताओ अब तुम्हारा क्या हो गया, अब तुम्हारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहाँ जाता है, तुम्हारा सिक्किम कहाँ जाता है, तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश कहाँ जाता है। तब तुम्हें तबीयत साफ होगी जब बांग्लादेश विल गेट क्लोजर टू चाइना, और बांग्लादेश के पास कोई और ऑप्शन है नहीं इसके अलावा कि इट गेट्स क्लोजर टू चाइना। तब तुम्हारा नागालैंड कहाँ जाएगा, तब तुम्हारा त्रिपुरा कहाँ जाएगा, तब हम तुम्हें बताएंगे। तो खैर हर चीज़ का एक वक्त होता है ना, तो वो वक्त उस वक्त आना है। लेकिन अगर हम वेस्ट पाकिस्तान की बात करें, तो कौन सा तूने एरिया ले लिया मेरे से बनिए, 1 अरब हो के, इतनी बड़ी फौज हो के, 7 गुना पाकिस्तान से बड़ा हो के, कर क्या लिया तूने, क्या चीज़ कर ली है? हर रोज पिटता है कि जी मेरे पुलवामा में मार दिया, मेरे पार्लियामेंट पे अटैक दे दिया। करारा जवाब दूंगा मैं आज पाकिस्तान को, उसकी जबान के अंदर हमने जवाब दिया है, पुलवामा में वो हम छोड़ेंगे नहीं, हम बालाकोट करेंगे, हमने उनकी फलां कर दी, हमने उनकी वो कर दी। अच्छा तूने अगर इतनी चीजें कर दी भाई, तो फिर तेरे साथ ये बार बार हो क्यों रहा है? जो मतलब आप कह रहे हो कि मैंने तो पाकिस्तान का जो है वो उससे बदला ले लिया और पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया, आपने इतने करारे जवाब अगर हमें दे दिए हैं, तो तुम्हारे साथ ये बार बार होता क्यों है? फिर तो करारा जवाब लेके हमें सो जाना चाहिए था ना, 75 साल से हम तो नहीं सोए तेरे करारे जवाब पे, जितनी बार तू आता है करारा जवाब देने, और 2 चपेड़े खा के हमारे से ज्यादा है, आगे भी तू ये करेगा। हो सकता है किसी वक्त हमारे पे मुश्किल आए, लड़ाई है, जंग है, जो भी है, एक चीज को जेहन में रख बच्चे, तू उधर कश्मीर के अंदर, आपसे ये छोटा सा कश्मीर आपसे 30% नहीं कैप्चर होता। आप ये समझते हो कि आप लाहौर के अंदर आओगे, चलें आपने आपकी जो फैंटेसी है उसके ऊपर चलते हैं कि आप लाहौर के अंदर आ गए, आपने लाहौर पे कैप्चर कर लिया, लाहौर पे कैप्चर कर लिया, चले लाहौर पे कर लिया कैप्चर, मैं भी लाहौर से ही तेरे से बात कर रहा हूँ, लाहौर पे तुमने कैप्चर कर लिया, हम इधर जो हैं वो बैठे रहेंगे, हम कश्मीरियों की तरह घरों में छुप जाएंगे, हम दरवाजे बंद करके आ जाएंगे तुम्हारे बाद टाइम का। अबे साले पागल तो नहीं है तू, फिर लाहौर के ऊपर तूने, हम मैं अगर मेरे पास हो तो मैं कहूँ इनको एक दफा अंदर आने दो, इनको आने दो, इनकी 6 लाख 10 लाख जो फौज है वो, अगर टोटल फौज है उनमें से 4 लाख को पाकिस्तान के हदूद के अंदर आने दो, उसके बाद 4-5 दिन इनको कुछ ना करो, इनको अंदर आने दो, इनको मुतमईन होने दो, फिर पकड़ के इनको मारो, ना इनको पीछे से कोई बचाने आएगा और ना इनको अंदर से कुछ होगा। तो ये किस तरीके से, क्या इमेज आप दे रहे हो इलेक्शन जीतने के लिए, तो आप क्या कर लोगे, कौन सा पाकिस्तान का आप जो है बाल बाका कर लोगे? कुछ भी नहीं तू कर सकता। अगर आप कर सकते होते मुन्ना, आप कर चुके होते, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ जो कर सकते हो आप वही कर रहे हो कि मिस्कीन इंडियन मुस्लिम्स को, जो बेचारे फंस गए किसी वजह से, तुम्हारे धोखे में आ गए और तुमने उनके साथ फ्रॉड खेला सेकुलरिज्म का और मादरेश इन सारी चीजों का, उनको तुम मार के तुम ये समझते हो कि तुम अब उससे भी आगे बढ़ गए साले। मैं कहते हैं अखंड भारत भी फलां, अफगानिस्तान भी हमारा है, फलां भी हमारा है। तो मुन्ना पहले कोई एक मुझे बता दे कि 2-2.5 हजार 3 हजार साल 4 हजार साल में ये जो तुम्हारा ख्वाब है जिसकी कोई रियलिटी नहीं है, जो तुम एक विजन देते हो अखंड भारत हिंदू राष्ट्र अशोका और फलां और ये वो, तो मुन्ना ये 10 साल के अंदर आपने इसके अंदर ऐड क्या किया? आपके ऊपर तो सबसे बड़ी लानत जो है वो ये है कि हम पाकिस्तान आपसे निकाल के ले गए, हम बांग्लादेश आपसे निकाल के ले गए, आपने क्या कर दिया? आपको तो अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र के ऊपर, अभी बर्मा भी जो है उसके ऊपर भी हमला कर देना चाहिए था। इतनी औकात आपकी है नहीं कि आप वहां भी जा सको, भूटान आपके सर के ऊपर बैठा हुआ है, भूटान आप ले नहीं सकते। आप बातें क्या कर रहे हो यार, चाइना से लड़ोगे, पाकिस्तान से लड़ोगे, अंदर आके लैंड को ऑक्यूपाई करोगे, वहां बैठोगे और हीरो चिल्कन। तो ये चीजें हैं जो, लेकिन व्हाट इज मोर कंसर्न फ्रॉम अस, इसके हमारे भाइयों को जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर आप जो जुल्म करते हो वो हमें नजर आ रहा है, विजिबली नजर आ रहा है कि वो आपने करना है, और उसको आपने जो अपने लोकल आपके जो लोग हैं हिंदू आइडियोलॉजी, हिंदुत्व आइडियोलॉजी, आई वुड से नॉट हिंदू स्पेसिफिकली, लेकिन इन जनरल आप ये बात कह देते हो हम कोई हिंदुओं के इन जनरल खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हिंदू एक्सपेंशनिस्ट हैं, जो हिंदू मिलिट्री वाइज अपने आप को समझते हैं कि वो मुसलमानों से लड़ सकते हैं, पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, दुश्मनियां पालते हैं,
तो बेटा तू पाल, फिर पाल ले तू, फिर जो तूने मानी उनके खिलाफ है। तो एक जनरल एक टर्म होती है, इसको आप उसका पोलराइज मत करें कि जब मैं हिंदू कहता हूँ जी आपने हिंदू को कह, मैं हिंदुओं को कुछ नहीं कह रहा, हिंदुत्व ही कहता हूँ। लेकिन इन जनरल जैसे क्रूसेड वॉर्स है, सारे क्रिश्चियंस के साथ तो नहीं है तब तो, बल्कि ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक दोनों सारे ही फैक्शन जो थे इकट्ठे थे। लेकिन एक बात बनी है, क्रूसेड वॉर है जी, क्रेसेंट और क्रॉस की, तो इस तरह हम कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों की ये जो जंग है पाकिस्तान इंडिया की शक्ल के अंदर, पाकिस्तान के साथ कोई भी पंगा लोगे तो वट एवर द कॉस्ट इज, वट एवर द कॉस्ट इज, वी विल बेयर, वो हम बेयर कर लेंगे। मसला आता है आप लोगों का, आप लोग जो हैं, अब सीधी सी बात है कि आपने अगर कोई अब कहीं अगर अकोमोडेट होना है तो वो इंडिया के अंदर ही अकोमोडेट होना है आपने, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और लैंड और आपको पता है इकोनॉमी और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ गई होती हैं, या तो हम इंडिया पे कैप्चर करें इंशाल्लाह और पूरे बॉर्डर्स खोल दें, वो एक अलहदा चीज़ है, गजवा हिंद के मौके के ऊपर वो हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये चीज़ें आपने करनी है। तो बी केयरफुल, ये आपकी आंखों के सामने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, ये आपकी आंखों के सामने इस मॉब को बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये नजर नहीं आ रहे, आप आंखें बंद करके बैठे हो, कितनी देर तक आंखें बंद करोगे, कितने और मैसकर्स कराओगे, कितने और हजारों बंदों की लाशें उठाओगे, कितनी और औरतों को रेप करवाओगे, फिर जाके इस चीज को रियलाइज करोगे, कितनी और बाबरी मस्जिदें जो हैं, कितनी और दरगाह तुड़वाओगे, फिर इस चीज को रियलाइज करोगे कि ये डंडे के बगैर मानने वाले नहीं हैं। एक बंदा, मैं कहता हूँ कश्मीरियों को भी, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि भाई आपके पास क्या वेपन्स, आप कहते हो जी वेपन्स नहीं है हमारे पास फलस्तीन की, हमें वेपन्स नहीं प्रोवाइड होती, खालिस्तान वाले कहते हैं जी वेपन्स नहीं प्रोवाइड होती। और भाई सीधी सी बात है कि मैं इनको भी, मैं खालिस्तान वालों से भी मेरी जब बात होती है मैं उनको कहता हूँ कि बेटा आप लोग जो हैं कैनेडा और इंग्लैंड में अपने अच्छे कैरियर्स और ये चीज़ों को छोड़ के, जो आपने वहाँ अपना लिए हैं, आप चले गए वहाँ किसी मजबूरी की तहत कि आपको इधर आपके खिलाफ ऑपरेशन हो रहे थे और ये वो, बट नाउ इट इज़ टाइम, आपको ग्राउंड पे आना है वापस। एक बंदा आपका किसी दो बंदों को मार देता है इधर, आप इमीडिएटली कहते हो कि यार अन्नू कड्डो, वो अन्नू कड्डो के तो लड़ेगा कौन, तुसी भी वापस आओ, अन्नू कड्डने नहीं है। अगर इंडिया को आपने टैकल करना है सरदार जी, ते वापस आओ अपनी जगह दे उते अथे आके करो, छड़ो कैनेडा नू, वो एक मोमेंटरीली था आपको उस चीज में हो गया, उधर बैठे बैठे रेफरेंडम करने से कुछ नहीं होना। जब तक आप हिंदू के हिंदुत्वा के सर पे डंडा नहीं मारेंगे ये बात नहीं आएगा, एंड इट गोज फॉर ऑल माइनॉरिटीज। हम लोग आपके साथ हैं, वी कैन प्रोवाइड एवरीथिंग टू यू, सारी चीजें, हमारा हमारा मॉरल सपोर्ट, हमारी सब चीजें आपके साथ हैं, लेकिन हाथ में डंडा तो आपने खुद पकड़ना है यार। आप इसको ऐसे करने के बजाय ऐसे करो, ये जो आप ऐसे हाथ बांध के खड़े हो जाते हो ना, कि जब मैसकर करने आता है, राइड्स करने आता है, जब मॉब आता है, जब आरएसएस आता है, तो आप ऐसे खड़े हो जाते हो मिस्कीन बन के, नहीं आप ऐसे डंडा मारो उसके सर पे, कोई नहीं, उसने उसको आपको छोड़ना नहीं है आपके हाथ बांधने से। ये आप गुजरात में देख लो, आप बाकी सारे मैसकर्स में देखो, छोड़ना नहीं है उन्होंने। तो इसीलिए टीपू सुल्तान की वसीयत के ऊपर अमल करें, और शेर की एक दिन की जिंदगी, गीदड़ को 100 दिन नहीं मिलने, ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं, उसने भी उसी वक्त जाना है, बट हाउ यू गो डाउन इन हिस्ट्री इट इज डिपेंडेंट ऑन यू। सो प्लीज फॉर गॉड सेक उठे, अपने आप अपने दिमाग को खोलें, सबसे पहले इन गद्दार लीडरों से, शेख हसीना की तरह की बांग्लादेश में, इनसे छुटकारा पाएं, एंड देन थिंक कि आपने क्या करना है, और इनको मारें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बगैर इनको मारे बगैर आप इनको काउंटर नहीं कर पाओगे, ये 30-30 हज़ार बंदा लेके आ जाएंगे, पुलिस इनके साथ होगी, आपके बंदे शॉक एंड ऑ के अंदर ही, वही होता है कि आप लोग समझ ही नहीं पाते कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्या हो रहा है और क्या होने लगा है, आप उधर एक बुत की तरह खड़े हो जाते हो। दिस इज नॉट द सोल्यूशन, दिस इज नॉट द सोल्यूशन, और ये चीज़ आपको आगे नहीं बचाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इस सेशन के अंदर मैं वो डॉक्यूमेंट्री, आई एम रियली सॉरी, मेरे से नहीं, मुझे दुख होता है, मुझे गुस्सा चढ़ता है वल्ला, अगर आप इनके बालों से पकड़ के, जो अक्यूज थे जिनमें इनका प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है, अगर आप उनको बालों से पकड़ के घसीटते हुए पूरा इंडिया क्रॉस करके नीचे आके तमिलनाडु में समुंदर में उसको डुबोते हैं ना, तो फिर भी
एक बंदे का कर्ज पूरा नहीं होता जो इन्होंने मैसेकर के अंदर ब्रूटैलिटी से जो इन्होंने मारे हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। दूसरी चीज ये हरेन पांड्या, हरेन पांड्या का जैसे मैंने आपको बताया है उसका सारा, तो मैं सिर्फ शॉर्ट आपको इसके अंदर यही बताऊंगा कि मोदी साहब ने 100 कत्ल की हैं, मोदी साहब ने 100 गुना किए हैं, लेकिन हरेन पांड्या को मारा किसी और ने है। और अगर हरेन पांड्या ना मरता उस वक्त तो ये मैसेकर वेस्ट बंगाल, यूपी और बिहार के अंदर मूव इन हो चुके थे, क्योंकि वो इसको अपनी प्रोफाइलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तो ये मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। बाकी वी विल ऐड द डॉक्यूमेंट्री, कोशिश करूंगा कि सारे पार्ट्स को इकट्ठा कर लें पॉडकास्ट के अंदर भी। वीडियो तो बहुत बड़ी फाइल बन जाएगी, उसको फिर 100 मसले मसाइल होते हैं अपलोड करने में। और उसमें अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वेपन्स अक्वायर करें, ट्रेनिंग अक्वायर करें, और फिर जंग के लिए तैयार हों। आपके घरों के बाहर खड़े हैं, आपके घरों के बाहर खड़े हैं वो, बी रेडी। थैंक यू वेरी मच।